सक्री गली अवैध बांध काम सीढ़ी को लेकर नोकझोंक। शिकायत पत्र देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर स्थानिक लोग बीएमसी पर आक्रोशित। सबने पैसे खा बैठे हैं, देसाई आता है, देसाई को पैसा लेके चला जाता है, उसके ऊपर अर्चना मैडम है। देसाई कौन है? हाँ, अर्चना मैडम है उनके ऊपर जो, वो बोलती है हमारी बस में नहीं है, उनके बस में नहीं है, फिर भी वो आता है यहाँ पैसा लेता है। और एक बात और, 5 तारीख को 5 मार्च को वहाँ एकता नगर में एक सिंगल बाथरूम था, तो अर्चना मैडम आग तोड़वाई है, तो ये क्यों नहीं रखी हुई, वो भी पैसा खा के बैठी। मुंबई सिलम झोड़पट्टी जनता नगर मंडला मानकुर्द अवैध बांध का निर्माण पर सक्री गली होने के बाद भी दमंगई से जबरन गली में सीढ़ी लगाने का आरोप। जनता ने मनपा एवेस्ट विभाग को एवं उप जिला अधिकारी अतिक्रमण निष्कासन कार्यालय अधिकारी पर घूस लेकर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। कहा शिकायत पत्र देने के बाद भी अनाधिकृत अवैध सीढ़ी लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं। स्थानिक लोगों की माने तो अवैध बांध काम व सीढ़ी मालिक खुद को नेता बताता है, जो शासन प्रशासन को अपनी जेब में बताता है। स्थानिक लोगों का कहना है कि आग या अन्य कोई घटना होने के समय अग्निशमन दल या राहत एवं नागरिकों को बचाव हेतु गली से निकलना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर नजर डाले तो मानकुर्द के मंडला में अनाधिकृत अवैध बांध काम को बड़ी संख्या में धरले से हो रहे हैं। मनपा एमिस्ट विभाग एवं उप जिला अधिकारी अतिक्रमण निष्कासन कार्यालय के अधिकारी कुमकर्ण की नींद सोए हैं। अवैध निर्माण में भ्रष्ट अफसरों का हाथ स्पष्ट नजर आता है। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज 24। मैं आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। अब खबर विस्तार से। मैंने हमको ये तकलीफ है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, खास कर मुझे, क्योंकि मैं 2 बजे 3 रात में आता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। और यहाँ पे हमारे घर में देखो ये बोर्ड लगा हुआ है बालवाड़ी का, यहाँ प्रेग्नेंट और आती जाती हैं, यहाँ महीने में राशन बढ़ता है, उनको तकलीफ होती है आने जाने में। सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे देखो, आप देख सकते हैं नीचे कि ढापे के लेवल में, अगर मैं उट्टा बनाता हूँ तो गली में आने, अगर कोई मर गया या कोई आग लग गई तो कोई कैसे भागे, कैसे बचेगा। और MRO सब में लेटर डाला, मैंने सबको लेटर डाला, किसी ने सुनवाई नहीं की है। सब ने पैसे खा बैठे हैं, देसाई आता है, देसाई को पैसा लेके चला जाता है, उसके ऊपर अचाना मैडम है। देसाई कौन है? हाँ, अर्चना मैडम है उनके ऊपर जो, वो बोलती है हमारी बस में नहीं है, उनके बस में नहीं है, फिर भी वो आता है यहाँ पैसा लेता है। और एक बात और, 5 मार्च को वहाँ एकता नगर में एक सिंगल बाथरूम था, तो अर्चना मैडम आग तोड़वाई है, तो ये क्यों नहीं रखी हुई है, वो भी पैसा खा के बैठी है। सीधी बात ये है, मेरा कहने मतलब ये है कि अगर नहीं हो रहा तो बोलो नहीं होता है, वो हम करेंगे, फॉलो करेंगे, देखते हैं, सीधा बात बोलो। और हम यहाँ आने वाले सबको तकलीफ है। किन किन लोगों को आपने लेटर दिया है? मैंने पुलिस को दिया है, और MOD में दिया है, कलेक्टर को दिया है, और वित्त मंत्रालय को दिया है, सबको दिया मैंने। ये जो उसका लेटर है, ये मतलब कभी दिया आपने? 25 जनवरी को। उत्तर नहीं आया आपके? नहीं, उत्तर कोई उत्तर नहीं आया, 1.5 महीना हो गया। सब जितने लोग आए हैं सब पैसा खा के बैठे हैं, सब पैसा खा के बैठे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको तकलीफ है कि पूरी गली की? पूरी गली की तकलीफ नहीं रहेगी, हम आगे सीढ़ी बनाएंगे, फिर हमारी गली में एकदम आना जाना बंद हो जाएगा, तो आदमी बीमार कैसे जाएगा? तो कौन होता रोकने वाला? तो इसके लिए मैं क्या बोला, उसमें देखा जाए और मेरे काम किया जाए। मेरा 15-20 साल से मैंने कंप्लेंट किया, मुझे सिर्फ सीढ़ी का ऑपरेशन है, सीढ़ी हटा लें आप, क्योंकि किसी की गली में सीढ़ी नहीं है। और इन्होंने ये रूम खरीदा, इनका रूम था नहीं, पहले तो इन्होंने कब्जा किया दूसरे का, इन्होंने बेचा, फिर बेच के खरीदा उन्हें। और खरीदने से पहले उन्होंने बोला था कि मैं गली की सीढ़ी अंदर से लूंगा, बाहर से नहीं लूंगा। एक रूम में दो रूम बनाए। ये आदमी सब गवाह है कि इन्होंने खुद बोला था कि सीढ़ी अंदर से रहेगी। मेरा नाम आरिया बानो है, मुझे इस तरफ जाना आना नहीं है, मुझे इस तरफ से मतलब तकलीफ मुझे इस बात की है कि मेरे पड़ोसी को तकलीफ है तो मुझे तकलीफ है, और मुझे इस तरफ ना जाना है ना आना है। और सीढ़ी पहले यही बात हुई थी कि अब इस गली में जो भी घर बनाएंगे बाहर सीढ़ी किसी की नहीं रहेगी, इन्होंने ही कहा था अपनी जबानी कि अब जो भी घर बनेगा बाहर सीढ़ी नहीं रहेगा। हम भी घर बनाए मोहम्मद इकबाल, मतलब ये पहले अपनी जबानी बोले थे कि अब जो भी घर बनेगा हम लोग बाहर से सीढ़ी नहीं लेंगे।
हमने भी पक्का घर बनाया है डबल महले का, तो हमने भी इसी वजह से नहीं लिया कि अगर हमारे पड़ोसी को तकलीफ है तो हमको तकलीफ है, हम किसी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं।